नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में एंड इस वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जैसे कि माइग्रेशन के बारे में सोशल मीडिया प्रोफाइल फ़ोटो के बारे में नजाल सर के पोस्ट के बारे में वेबिनार के बारे में एक्सटेंशन ईमेल के बारे में एंड इसके अलावा कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में तो सबसे पहले हम माइग्रेशन की रिगार्डिंग समझ लेते हैं माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम फाउंडिंग मेम्बर्स इको में करेक्टली रजिस्टर्ड हो चुके हैं लेकिन कुछ फाउंडिंग मेम्बर अभी भी हैं जो इको में करेक्टली रजिस्टर्ट ड नहीं हो पाए करेक्टली माइग्रेट नहीं हो पाए हैं ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स अगर कस्टमर अकाउंट को डिलीट करके ओ फाउंडर अकाउंट को लॉग इन करते हैं देन नेविगेट टू इस पर क्लिक करते हैं तो वहां पर उनका रजिस्ट्रेशन का पेज नहीं आ पाता है जिससे कि वो इको में करेक्टली एज अ फाउंडिंग मेंबर माइग्रेट नहीं हो पाते हैं तो ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स को बताना चाहता हूं कि अगर आपने कस्टमर अकाउंट को डिलीट कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आपने अभी तक डिलीट नहीं किया है तो कस्टमर अकाउंट को सबसे पहले डिलीट करना है डिलीट करना बहुत ही आसान है इसके लिए अपना इको सिस्टम लॉग इन कीजिए लॉग इन करने के बाद होम पेज पर सबसे ऊपर प्रोफाइल आइकन पर क्लिक कीजिए जहां पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जैसे कि प्रोफाइल एफ ए यूजर मैनुअल टिकट स्टेटस और वहीं पर डिलीट अकाउंट का ऑप्शन होगा सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है क्लिक करते ही आप रजिस्टर्ड अल्टरनेट ईमेल एड्रेस पर ओटीपी जाएगा उस ओटीपी को आप कॉपी कीजिए यहां पर पेस्ट कीजिए पेस्ट करने के बाद अगेन आप डिलीट अकाउंट पर क्लिक कीजिए क्लिक करते ही आपका कस्टमर अकाउंट परमानेंटली के लिए यानी कि परमानेंट के लिए डिलीट हो जाएगा डिलीट होने के बाद आप अपना ओफाउंडर अकाउंट लॉग इन कीजिए लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर नेविगेट टू ई पर क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद अगर रजिस्ट्रेशन पेज आता है एज अ फाउंडिंग मेंबर रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होता है तो वहाँ से आप आसानी से इको में एज अ फाउंडिंग मेंबर इको में माइग्रेट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन नेविगेट टू ई पर क्लिक करने के बाद अगर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन नहीं होता है लॉग का पेज ओपन हो जाता

पेज ओपन हो जाएगा ऑथेंटिकेशन का लिंक है ओ फोडस डॉट नेट ऑथेंटिकेशन का लिंक मैंने प्रोवाइड किया है तो उस पर क्लिक कीजिए क्लिक करते ही ओ फाउंडर का लॉगिन पेज आपके सामने ओपन होगा वहाँ पर अपना ई एड्रेस और पासवर्ड फिल करके लॉगिन पर क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद आपका ओ फाउंडर अकाउंट लॉगिन हो जाएगा ओ फाउंडर अकाउंट लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड पर नेविगेट ओ एस पर क्लिक कीजिए क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद आपको वहां पर ओ मेल आई एंड पासवर्ड क्रिएट करना है जो भी पासवर्ड वगैरह आप रखना चाहें वो आप वहां पर क्रिएट कर सकते हैं आपका जो पुराना ओ मेल था तो सेम ओ मेल आई आपको यहाँ पर फिल नहीं करना है उसमें थोड़ा सा चेंजेस लीजिएगा तो ओ मेल एंड पासवर्ड क्रिएट करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करते ही आपका इको में एज अ फाउंडिंग मेम्बर करेक्टली माइग्रेट हो जाएगा और माइग्रेट होने के बाद आगे का जो भी प्रोसेस है वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं जैसे कि एन डी साइन करना ओके कर परचेज करना जो भी प्रोसेस है जो भी काम है वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके अलावा अगर हम सोशल मीडिया प्रोफाइल फ़ोटो की बात करें तो ऑन पैसिप के सोशल मीडिया अकाउंट जितने भी हैं जैसे कि यूट्यूब अकाउंट हो गया यूट्यूब चैनल हो गया फेसबुक अकाउंट हो गया इंस्टाग्राम हो गया ट्विटर हो गया जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है तो ऑन अपडेट किया गया है। क्यों किया गया है? इस बात को maximum काफी अच्छे से समझ गए होंगे जो लोग नहीं समझ पाए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स ये क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए अपडेट किया गया है कि अपडेट किया गया है और ऐसा हर साल होता है राइट right?

ऐसर की बात करें तो ऐसर का भी फोकस है कि हमारा प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाए लोग आसानी से प्रोडक्ट्स को परचेज कर सके और हमारे पेंडिंग पेआउट्स भी जल्द से जल्द क्लियर हो जाए तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं फ्रेंड्स और प्रोसेसर का लिमिट भी डेली इंक्रीज हो रहा है तो बहुत ही जल्द ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी और इसके अलावा अगर हम वेबिनार की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि आज से वेडनसडे यानी कि ओ पी तो हमेशा की तरह मार्टी सर ओ पी वेबिनार में ऐसर को इन्वाइट करेंगे तो अगर ऐसर के पास टाइम रहता

ये क्या चीजें हैं फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी रिगार्डिंग अभी हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है इसको ऐसे ही रहने दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक चीज ध्यान रखिए कि इको में जो भी चीजें होते हैं उसका कुछ ना कुछ पर्पज जरूर होता है तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसकी रिगार्डिंग हम सभी को कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आगे होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इंफॉर्मेटिव जरूर लगी होगी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा Yeah.